प्रेगनेंसी का समय किसी भी महिला के लिए बेहद रोमांचक, अद्भुत लेकिन कई बार डरावना होता है। ये समय प्रेग्नेंट औरतों के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह होता है और इस दौरान आपका शरीर बहुत सारे नए नए चेंजेस से गुजरता है। और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद आपको अपनी नाभि के पास एक लाइन दिखने लगती है, जिससे देखकर काफी प्रेग्नेंट औरतें तो डर जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में नाभि पर बनने वाली डार्क लाइन आपके बच्चे के लिए कोई खतरे की बात है या फिर नहीं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में नाभि पर बनने वाली ये डार्क लाइन क्या है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही के बाद धीरे धीरे आपके ब्रेस्ट और पेट का आकार बढ़ने लगता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आप शरीर में गहराई से अलग अलग मूवमेंट को महसूस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे में प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही खत्म होने के आसपास या फिर तीसरी तिमाही की शुरुआत में, जब आपका बच्चा पेट के अंदर तेजी से बड़ा हो रहा होता है और आपका बेबी बम भी तेजी से बढ़ रहा होता है, उस दौरान आपको अपने पेट पर स्ट्रेच मार्क्स के अलावा एक और अनोखी चीज नजर आने लगती है। वो है पेट के बीचों बीच बनने वाली एक डार्क लाइन, जिसे लीनिया नाइग्रा भी कहा जाता है। लीनिया नाइग्रा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्लैक लाइन। ये गहरे रंग की सीधी लाइन होती है जो अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट पर दिखाई देती है। आंकड़ों की माने तो करीब 75-80% प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट पर ये लाइन यानी कि लीनिया नाइग्रा के कुछ ना कुछ सबूत जरूर मौजूद होते हैं। किसी में ये लाइन गहरे रंग की होती है तो किसी में हल्की। लीनिया नाइग्रा प्यूबिक हेयर के ऊपर से नाभि तक फैली डार्क लाइन होती है और ये कभी कभी ब्रेस्ट तक भी फैली होती है। साथ ही कई प्रेग्नेंट औरतों को इस समय अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए ऐसे में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप हमारी कुछ अच्छी अच्छी कहानियां सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पॉकेट कहानियां को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप साइड में आ रहे आई कार्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ऐसी कहानियां देते हैं जो आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को बदल देती है। तो प्रेगनेंसी के इस टाइम पर आप अपना समय पॉकेट कहानियां को जरूर दें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि प्रेगनेंसी में नाभि पर लाइन बनना क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में नाभि पर ये जो लाइन है वो क्यों बनती है। तो दोस्तों, वैसे तो शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव हमेशा ही जारी रहता है। पीरियड के दौरान मूड स्विंग्स की समस्या से लेकर चेहरे पर बनने वाले स्पॉट्स तक, लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन्स की ये सारी चीजें नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती हैं, और ये चीजें कुछ समय के लिए बल्कि ये पूरे 9 महीने के लिए होती हैं। लिहाजा लीनिया नाइग्रा या पेट पर बनने वाली ये लाइन भी प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन के उतार चढ़ाव का ही रिजल्ट है। लीनिया नाइग्रा प्रेग्नेंट औरत के पेट पर वर्टिकली बनने वाली एक सीधी रेखा है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं के शरीर में स्किन से जुड़े हुए अहम चेंजेस आते हैं, जिसमें ज्यादातर में त्वचा की काला पड़ने की समस्या भी देखी जाती है। इस पर डॉक्टर्स का ये मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन आपके शरीर में बड़ी मात्रा में मेलेनिन का प्रोडक्शन करते हैं और यह एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन आपके पेट पर गहरी रंग की प्रेगनेंसी लाइन के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा लीनिया नाइग्रा मेलानोसाइट हार्मोन शरीर में बढ़ने के कारण भी होती है, जो स्किन की सेल्स को काला कर देता है। ये खास रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन के हाई लेवल के कारण होता है, जिसका मेलानोसाइट हार्मोन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में नाभि पर ये लाइन कब बनती है। तो अगर डॉक्टर्स की माने तो लीनिया नाइग्रा अक्सर दूसरी तिमाही में दिखना स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही बनी रहती है। आमतौर पर पेट पर बनने वाली सीधी रेखा की चौड़ाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है और ये रेखा आमतौर पर थाई की हड्डी से शुरू होती है और नाभि तक जारी रहती है। हालांकि ये कुछ मामलों में ब्रेस्ट के ठीक नीचे तक भी बढ़ सकती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में बनने वाली ये लाइन होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में पेट पर बनने वाली ये सीधी लाइन आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए किसी भी तरह से खतरनाक नहीं होती है, इसलिए आपको इसके लिए किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं है। और प्रेगनेंसी के दौरान पेट पर इस लाइन का बनना पूरी तरीके से नॉर्मल है, इसे लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये लाइन धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस बारे में आपको अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।